जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि सबसे पहले हम इस चैनल पर क्या करते थे, ठीक है ना। तो और एक बार मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ बनाते थे, और आज भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, पर थोड़ा मतलब दूसरे अंदाज में और दूसरे चीज़ का अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग तो नहीं, मतलब रिव्यू करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को लगभग पता ही चल चुका होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो होने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों को बताया था कि आज हम करेंगे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का रिव्यू, अनबॉक्सिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू ही करेंगे। और मतलब क्योंकि 2 साल मेरा वहीं गुजारा है, मैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में, और फाइनली MCA मेरा मतलब ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, एक फुल डिटेल्ड बायस्ड वाला ओपिनियन, एक बायस्ड वाला वीडियोस जो कि पब्लिक का डिमांड था, उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाते हैं और क्या कुछ होता है फिर देखते हैं। तो इसके ऊपर जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला गाइस कि मतलब YouTube के ऊपर तो बहुत सारा वीडियोज़ हैं, और Google के ऊपर भी अगर टॉप 10 वो कॉलेजेस मारोगे तो मतलब सेंचुरियन भी दिखाएगा आप लोग। और मैंने भी खुद भी बताया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोस मैंने बताया है जो भी है। और YouTube पर अभी भी जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोज के ऊपर बेस्ड है, मतलब थोड़ा मतलब सब कुछ एक जैसा, मतलब एक प्रमोशनल वीडियोस जैसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम इतना कुछ प्रमोशन नहीं करेंगे और कुछ अच्छा चीज़ बताएंगे, और कुछ जो भी मेरे हमारे साथ जो भी हुआ वो चीज़ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आई थिंक मतलब वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ठीक है ना। तो चलो भाई, विदाउट लॉसिंग एनी टाइम लेट्स शुरू द वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख के रखे हैं, पॉइंट वो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो मैटर करता है वो है फीस, ठीक है। तो फीस जो MCA का था, मतलब मैं MCA कर रहा था ना, तो MCA मेरा जो फीस था वो लगभग 80,000 था पर, मतलब आनम आनवाली ये 80,000 था, और लगभग मेरा 2 साल के अंदर कॉलेज सिर्फ और सिर्फ ले गया 2.1 लाख या फिर 2.2 लाख के करीब ले गया कॉलेज। और रहने खाने का मतलब मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, तो इसीलिए बाहर का मेरा लगभग 5-6 हज़ार महीने चला जाता था, ठीक है, आराम से चले जाएगा 5-6 हज़ार, पता नहीं चलेगा आप लोगों को, और थोड़ा बहुत मैनेज करके आप लोग 5-6 हज़ार में गुजारा कर सकते हो आप लोगों का। तो लगभग आप लोग हिसाब कर लो 2 साल का, मतलब अब 12 × 5 60,000 या फिर 72,000 लगा लो। और ऐसे भी कई कई महीने थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह अगर कोई भी चीज़ का सेमिनार वगैरह कोई रहता है कुछ चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस लग जाता है इस महीने, और ऐसी कुछ बातें रहती है। अगर आप लोग एक डिटेल्ड वाला फीस के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मतलब ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पे, तो वो जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो चलो भाई, अब हम एडमिशन की प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले मतलब यही से तो शुरू होगा ना अपना, जो मेरा जो रिव्यू था मैं यही से ही शुरू करूँगा, क्योंकि कॉलेज के लिए मैं जब एडमिशन के लिए गया था, क्योंकि पहले मैं बेंगलोर में ही था और थोड़ा मतलब पैसों का दिक्कत हुआ यहाँ पर, तो इसलिए हम फिर से चले गए ओडिशा में। और सेंचुरियन क्यों मतलब चूज़ किया इसका भी कुछ अलग स्टोरी है, वो कुछ अलग ही वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब मैं पहुंचा जाए के कॉलेज के सामने गेट के पास, ठीक है, तो उन्होंने मतलब ऐसे आईडी बिना आईडी कार्ड के अंदर घुसाते नहीं किसी को, तो इसलिए सबसे पहले जब हमने बोला कि हम एडमिशन के लिए आए हैं, तो इसलिए भाई साथ साथ ही वो अंदर से गाड़ी मंगा लिया। लगभग गेट से हमारा जो कॉलेज का मेन बिल्डिंग है वो लगभग 400 या फिर 500 मीटर का होगा, तो साथ साथ एक मंगा लिए एक गाड़ी, और गाड़ी आके हमको ले गया अंदर। तो एडमिशन तो हो मतलब चल रहा था, और दोपहर भी हो चुका था, लगभग 2:30 बज चुका था, तो इसलिए भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है, हम लोगों को। और मेरे साथ और भी मेरे मतलब चाचा और भाई गए थे, तो हम लोग जाके पहुँचे, तो फिर भाई इतना चर्चा उन लोगों ने किया ना, मतलब मन भर गया। हमने सोचा कि भाई इससे तो अच्छा कॉलेज हमको मिला ही नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं ज़िंदगी में, तो इसलिए खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त कर लिया। और फ्री का खाना था, चिकन वगैरह किए थे, और चिकन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ठीक है, जैसे कि हॉस्टल का खाना वैसा नहीं, मतलब जब एडमिशन शुरू होता है ना तो खाना मतलब बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, टेस्टी बनता है, ठीक है। तो
ये चीज़ आप लोग हॉस्टल वालों को पूछ सकते हो, क्योंकि उन्होंने ही बोला है फिलहाल कि जब एडमिशन शुरू हो जाता है तो फिर खाने पीने का भाई टेंशन ही कुछ नहीं रहता, क्योंकि खाना इतना अच्छा रहता ना, क्योंकि एडमिशन के लिए लोग आते हैं तो फिर उन लोगों का फ्री का खाना रहता है, ठीक है। तो वो सब कुछ हो गया, खाना वाना हो गया, तो फिर जब एडमिशन ख़त्म हो गया तब कोई नहीं लाया हमको छोड़ने के लिए गेट के पास, क्योंकि जब आ रहे थे मतलब एडमिशन करना था तो तभी जाके गाड़ी हमको अंदर ले आया, पर जब हमारा एडमिशन ख़त्म हो गया तो कोई गाड़ी वगैरह कोई, हम लोग पैदल ही चल के गए, क्योंकि 400-500 मीटर रात हो चुका था, लगभग 4-5 बज चुके थे, तो मतलब चल कर के ही गए हैं। तो ये थी एडमिशन का प्रोसेस, और एडमिशन इस ईयर लगभग MCA का मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे का मेरे को इतना कुछ पता नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ MCA का रिव्यू देता हूँ, MCA का बताता हूँ कि इस ईयर का लगभग फीस 95 आपको मतलब साल का पड़ेगा, और जैसे कि 35 कुछ ज़्यादा पड़ेगा आपका फ़ीस वगैरह, ज़्यादा कुछ लेंगे सेमिनार फीस और जो भी कुछ सेमिस्टर फीस ऐसा कुछ करके मतलब 35,000 एक्स्ट्रा लेंगे, और 7.5K 7,500 का ये जो लेते हैं वन टाइम रहता है, ये रिफंडेबल रहेगा आपका जो मतलब कॉन्वोकेशन होगा ना, मतलब लास्ट को तब जा करके दे देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये था हमारा एडमिशन का प्रोसेस। तो हम लोग अभी बात करेंगे जो कि लोकेशन किसका कहाँ पर है। तो सब लोग बोलते हैं कि सेंचुरियन जो कॉलेज है वो भुवनेश्वर का है, भाई भुवनेश्वर का नहीं, ये है खोर्धा का, ठीक है। जटणी JATANI जटणी, इसका जो मतलब जो लोकेशन है मतलब भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन जहाँ पर भुवनेश्वर स्टेशन है, भुवनेश्वर स्टेशन से लगभग 23 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा आगे चले जाते हो या मतलब जो खोर्धा रोड स्टेशन है भुवनेश्वर का नेक्स्ट स्टेशन, तो अगर खोर्धा रोड स्टेशन आ जाते हो तो यहाँ पर आपसे मतलब आपको लगभग 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। तो आपको अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग स्ट्रेंथ से आते हो तो फिर आप लोग भुवनेश्वर मतलब खोर्धा आ जाओ, खोर्धा रोड स्टेशन जो जंक्शन है वहाँ पर आ जाओ, वहीं से आराम से चले जाओगे, या फिर ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है। तो लोकेशन ये था। तो उसके बाद हम बोलेंगे कि फीस की बात हो गई और फर्स्ट ईयर मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट ईयर का, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था भाई इतना कुछ अच्छा नहीं था, नया था, मैं BSc किया था। तो BSc करने के बाद एक नए स्ट्रीम से आके एक नए स्ट्रीम चुनना और फिर खुद को अंदर घुसाना, क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल जानना, ताकि मेरे ऊपर मतलब मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था जब मैं मतलब BSc कर रहा था, तो थोड़ा बहुत मेरे को पाइथन आता था और वेब डेव के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज था, ठीक है। तो इसलिए और जो भी फील्ड वगैरह था तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मेरा चल गया। तो फर्स्ट ईयर तो अच्छा था, मतलब इतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में दिक्कत ये था कि दोस्त वगैरह कोई नहीं था और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, क्योंकि नए नए आए हैं और पता नहीं चल रहा है क्या कुछ पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, और सब कुछ नया नया फैकल्टी भी नया, तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। तो एग्ज़ाम भी थोड़ा बहुत ख़राब चला गया। तो यहाँ से याद आया कि मतलब एग्ज़ाम का क्या कुछ सीन है कॉलेज में सेंचुरियन में, ठीक है। तो एग्ज़ाम ये है कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो तब क्या करता था कि मतलब इंटरनल एक एग्ज़ाम रहता था, मतलब इंटरनल और सेमिस्टर दो एग्ज़ाम रहते हैं ना एक सेमिस्टर में। तो इंटरनल में सीन ये था कि 10 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता था, ऑनलाइन में आपको मतलब ऑप्शन चूज करके मल्टीपल चॉइस लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, तो फिर सारे बंदे या मतलब 10 out of 10 रख देते थे, क्योंकि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कोरोना का टाइम जस्ट ख़त्म हुआ था, तो फिर थोड़ा बहुत अच्छे से सिक्योर मतलब हो गया। पर दिक्कत आया सेकेंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट सेमिस्टर ख़त्म हो गया आराम से, पर सेकेंड ईयर से मतलब थर्ड सेमिस्टर से हमारा शुरू हो गया क्या कि 30 marks पे एग्ज़ाम लिखना है, मतलब इंटरनल, और वो रिटेन रहेगा, ठीक है, मतलब पेन एंड पेपर रहेगा, जाके कॉलेज के मतलब एग्जाम सेंटर में जाके देना पड़ेगा आप लोगों को। तो दिक्कत ये हो गया, क्योंकि पहले से हम लोग तो इसका कोई मतलब नहीं था हमारे पास, कि पहले हम लोग ऑनलाइन पे देते थे, तो यहाँ पर आ गया सडनली इन्फॉर्मेशन आ गया, मैसेज आ गया कि आप लोगों को पेन एंड पेपर में जाके लिखना है, मतलब दिमाग ख़राब हो गया लोगों का, मतलब स्टूडेंट का। तो फिर चलो उसके बाद थोड़ा बहुत दिक्कत आया, पर अच्छा खासा तभी नॉलेज आ चुका था कि कॉलेज का एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ रहेगा और कैसे कुछ एग्ज़ाम रहता है, तो फिर दिक्कत मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से क्रैक मतलब अच्छा खासा मार्क सिक्योर कर लिए अपने थर्ड सेमिस्टर या फिर फोर्थ सेमिस्टर में। और सेमिस्टर का सीन ये है कि आपका 100 mark का आपको एग्ज़ाम रहेगा, 100 mark का मतलब रिटेन रहेगा जो सेमिस्टर रहता है, 3 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा,
और आप लोगों को लिखना है 12 मार्क का कुछ एक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क का और 5 मार्क का शॉर्ट नोट, 2 मार्क का आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जो 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है वो 2 मार्क का रहेगा। तो ये था कुछ एग्जाम का जो पैटर्न रहता है कॉलेज के अंदर वो। तो अभी हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग कितना क्या कुछ भुवनेश्वर के मतलब भुवनेश्वर जो ब्रांच है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी BBSR जो भी ब्रांच है इसका क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बॉयज़ हॉस्टल लगभग 4-5 है आपको देखने के लिए मिलेगा बॉयज़ हॉस्टल वही मतलब कैंपस के अंदर। गर्ल्स हॉस्टल लगभग 2 या फिर 3 है क्योंकि मतलब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हम लोग कभी गए नहीं तो अच्छे से कुछ पता नहीं क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के पीछे हम लोग रह रहे थे ठीक है, एक भाड़ा लेकर के रूम रेंट लेकर के। तो फिर दो तीन ऐसे कुछ करके मतलब एक ही हॉस्टल था उनका मतलब ब्लॉक अलग अलग था। और अगर कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में आपको लगभग 3 ही बिल्डिंग देखेंगे मतलब दिखने के लिए मिलेंगे, एक है आर्यभट्ट, एक है कौटिल्य और एक है मधुसूदन ठीक है। तो आर्यभट्ट जो रहता है वो मेन बिल्डिंग रहता है और कौटिल्य जो MBA वालों के लिए और MBA BBA वालों के लिए कौटिल्य और BSc जो मतलब फार्मा वगैरह वो सब के लिए आपको मधुसूदन बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही थी कुछ, और अंदर आपको कॉलेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे कैफ़े वगैरह और सब कुछ मिल जाएंगे, खाने पीने की सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगे और हॉस्टल के पास बार शॉप भी है और होटल भी है, खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को आराम से। और बहुत सारे बंदे ये करते थे कि बाहर से खाना मंगा लेते थे क्योंकि जोमाटो वगैरह भी डिलीवरी करता था और कॉलेज के सामने भी कॉलेज बहुत सारे दुकान थे और ऐसे कुछ करके वो लोग खाना खाने का कुछ दिक्कत नहीं होगा। और अभी हम लोग आते हैं कि टीचिंग स्टाइल और बिहेवियर जो भी कॉलेज स्टाफ का था क्योंकि पहले नए नए आए हैं और नए स्ट्रीम से आए हैं तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत तो आया हम लोगों को। और बहुत सारे टीचर्स ये थे कि मतलब आपको अच्छे से समझा देते थे और अच्छे से बातचीत करते थे ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके कि क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है और कैसे आप लोगों को समझ आएगा ये चीज़ ठीक है। पर बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे भी थे जैसे आप लोग मैं बोलना नहीं चाहूँगा, थोड़ा रूड बिहेवियर उनका था। हमारा क्या सीन था कि हम कंटेंट क्रिएटर थे, हम वीडियोज़ बनाते थे तो इसलिए हमको सबको मतलब सब लोग पहचान चुके थे ठीक है, यूट्यूबर समझ के पहचान गए थे तो हमको थोड़ा मतलब ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं हुआ। अभी शायद अभी क्या हो सीन है कि कॉलेज में नए टीचर्स मतलब जो पुराने जो टीचर्स थे वो लोग बहुत सारे चले गए हैं और अभी अभी नए जो ज्वाइन किए हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस कुछ फ्रेशर है, मतलब वो भी फ्रेशर हैं और आप लोग भी फ्रेशर जाओगे तो आपका तालमेल थोड़ा अच्छे से रहेगा ठीक है। आप लोग रिलेट कर मतलब वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं उनका सीन क्या था और आपका क्या सीन था क्योंकि अभी बहुत सारे मतलब हमारे दोस्त और हमारे सीनियर्स जो भी थे बहुत सारे वो कॉलेज के अंदर ही प्लेसमेंट ले लिए, मतलब कॉलेज में ही पढ़ाते हैं वो लोग कॉलेज के अंदर ही प्लेसमेंट ले लिए, मतलब वो ही आपको पढ़ाएंगे अभी। आप लोग देख पाओगे कि क्या कुछ रहेगा तो समझ सकते हो ठीक है ना। और प्लेसमेंट अभी हम बात करते हैं प्लेसमेंट। तो गाइज प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो हमारा तो प्लेसमेंट इतना अच्छा खासा नहीं था मतलब हमारे टाइम पे, और इतना कुछ प्लेसमेंट नहीं आया था। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा प्लेसमेंट का सीन अच्छा है क्योंकि अभी तो मतलब हमारा मेल अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, जो भी कॉलेज का मेल आया था तो वही मेल पे आता है अभी मतलब अप्लाई करने के लिए 2025 बैच के लिए ठीक है, हमारे जो जूनियर्स थे उनके लिए। तो उनका सीन कुछ अच्छा है, उन लोगों को प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हमको अगर वो चीज़ मिल पाता तो हम थोड़ा अच्छा कर पाते, कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग प्लेसमेंट पे तो मतलब बैठ पाते ना। तो हम लोगों का ऐसा ही कुछ सीन नहीं था, हम मतलब मैं ठीक है मैं बैठ नहीं पाया था, मैं टेक्निकल प्लेसमेंट पे ज़्यादा बस बैठ नहीं पाया था, लगभग 2 या फिर 2-3 में बैठा था ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाया क्योंकि अगर ज़्यादा बैठते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है और अच्छे से आप लोग क्रैक कर पाओगे ठीक है। कॉलेज के अंदर दिक्कत ये है कि आपको मतलब हमारे टाइम में दिक्कत ये था कि ज़्यादातर नॉन IT की बैकग्राउंड की कंपनी आती थी ठीक है, तो उसके अंदर मेरा भी दूर हो चुका था, मैं नहीं गया क्योंकि भाई 2 साल इतना बर्बाद करके हम लोग पढ़ाई किए, बर्बाद तो नहीं कहूँगा मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी है इन्वेस्ट करके मैंने पढ़ाई किया MCA की, तो फिर उसके बाद अगर नॉन IT में जाना था तो फिर इतना पैसा कुछ खराब मतलब वेस्ट करके क्यों जाना था मेरे को। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो इसको नहीं लेंगे, थोड़ा और मतलब ज़्यादा मतलब परिश्रम करेंगे तो अच्छे से एक प्लेसमेंट ले पाएंगे, मतलब या फिर ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस बाहर भी आकर हम लोग ट्राई करेंगे। अभी भी चल रही है वही कोशिश कि अच्छे से एक प्लेसमेंट हो जाए ताकि अपना गुजारा कर पाए। तो ये थी कुछ प्लेसमेंट की सीन सेंचुरियन के ऊपर सेंचुरियन के अंदर। गाइज अगर हम अभी बात करेंगे कि वर्कलोड और एकेडमिक लोड,
मतलब दिक्कत ये है कि आपको मिनिमम 75% की क्राइटेरिया मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और मिनिमम तो मिनिमम 65 तो मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। अगर 65 है तो फिर आप लोग जो आपका मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देके आप लोग मैनेज कर सकते हो और एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, या फिर अगर इससे नीचे होता है ना तो आप लोग एग्जाम के लिए बैठ नहीं पाओगे, आपका मतलब जो एक सेमिस्टर आपका बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट ये है, अगर आप लोग एडमिशन करते हो तो आप लोग कंटिन्यूसली क्लास वगैरह जाना, या फिर मिनिमम तो आप लोग 75% मैनेज करके ही चलो, क्योंकि दिक्कत भी हो जाता है। अगर 65 रहता है ना तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट कई बार एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, तो फिर वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मिनिमम तो मिनिमम 75 या फिर 80 तक लेके चलो। तो हमारा तो लगभग 90-95 चल रहा था, क्योंकि हम लोग पास में ही रहते थे, कॉलेज क्यों बंद करना है भाई, घर में सोने से अच्छा तो कॉलेज जाके बैठ के चले जाओ, या फिर ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और एक बात है कि आपको अपना जो लर्निंग रिकॉर्ड या फिर लैब रिकॉर्ड ऐसे कुछ उसका जो सिस्टम रहता है सेंचुरियन में, तो आप लोगों को वो चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिक्कत ये रहता था कि वो कब मेंटेन करें, अगर हम लोग खुद के प्रैक्टिस पे ध्यान दिए, मतलब खुद के स्किल इंप्रूव करने के लिए ध्यान दिए, उन चीज़ को कब करेंगे। जो हमारा लर्निंग रिकॉर्ड लैब रिकॉर्ड उसको मेंटेन करके चलो हर दिन, और वही कुछ सीन रहता है, दिक्कत थोड़ा वहाँ पर भी आता था। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोग सेंचुरियन चुन रहे हो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि सेंचुरियन में बीपीयूटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो बीपीयूटी के अंदर कोई भी रूल्स रेगुलेशन सेंचुरियन में नहीं चलेगा, क्योंकि सेंचुरियन खुद एक यूनिवर्सिटी है, तो वो खुद का सब कुछ मैनेज करता है। तो एग्जाम कॉपी वगैरह जो भी रहता है वो सेंचुरियन का फैकल्टी ही चेक करेंगे, वो हो सकते हैं पारला खेमुंडी जो उनका जो कैंपस है भुवनेश्वर से, हो सकते हैं विजयनगरम मतलब आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, जो कि आपका जो कॉपी है वो चेक करेंगे, पर सेंचुरियन के ही रहेंगे, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे कि क्लब कॉलेज के अंदर कोई भी क्लब वगैरह या फिर फेस्ट वगैरह होता है कि नहीं। जी हाँ गाइस, गजरती करके एक फेस्ट रहता है, मतलब साल में एक बार होता है, लगभग फरवरी या फिर मार्च महीने में, तो आप लोगों को वो देखने के लिए मिल जाएगा। तीन दिन का रहता है वो, और मज़ा बहुत ही आता है, क्योंकि डीजे नाइट या फिर कल्चरल प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं मतलब उसी टाइम, तो आप लोग वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप लोग जाते हो। और अगर क्लब के ऊपर बात करें तो गाइस क्लब वगैरह है, मतलब क्लब मतलब डिफरेंट क्लब्स, डांस क्लब और सॉन्ग क्लब मतलब सिंगिंग क्लब, ऐसे कुछ बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं, आप लोग अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे जो मतलब कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं कॉलेज में, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी फिलहाल मैं तो था मतलब अपने कल्चरल टीम का, जो अभी फिलहाल जो अगस्त 15 गया मतलब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर जो भी रहता है प्रोग्राम ना, मतलब जो कमांडिंग करता था मैं अपने टीम का, अपने घोष, आपको पता होगा कि घोष का मैं कमांडर था, लोग भी देख पाओगे कि लास्ट में जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था अगस्त 15 को, इसके मतलब मैं वही करता था। आई थिंक कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका होगा, और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। तो और अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गई है मेरे से और आपको लग रहा है कि वो चीज़ कवर करना चाहिए था, तो फिर आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको देखने के लिए नीचे मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप का भी लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि आप लोग व्हाट्सएप पे भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और मैं अच्छे से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। गाइस और एक डिटेल, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इसके ऊपर और एक भी मैं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग पूरा मेरा जो भी रिव्यूज़ वगैरह था उसके ऊपर। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना, और वीडियो को इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।